हेलो नमस्ते। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें। इसी में आपको पता लग पाएगा रोहतांग पास रोड अपडेट आपको इसी वीडियो में मिलेगा, और रोड कहां तक अभी ओपन है और कहां तक आप आ सकते हो वो सभी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों मैं रोहतांग पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर अभी बर्फ़ की मोटी मोटी दीवारें हैं दोस्तों। तो दोस्तों की मशीन ने कितना रोड में बर्फ़ काट के रखा है, और रोहतांग पास के नज़ारे कुछ ऐसे होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर माउंटेन व्यू हमारे को बहुत से कमेंट आए, हम टू व्हीलर में जाना चाहते हैं रोड। तो दोस्तों मैं इतनी हसीन वादियों में पहुँच चुका हूँ। आप समर में आ रहे हो तो रोहतांग पास आपका इंतज़ार करेगा। टनल 2020 के बाद ही ओपन हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, थोड़ी शायद आपको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। फाइनली दोस्तों हम आज पहुंच चुके हैं रोहतांग पास। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा हम आगे। आज मुझे इस बात की, तो अभी हम जा रहे हैं रोहतांग पास और रास्ते का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। मॉर्निंग में पहाड़ों में ऐसे भी व्यू बहुत शानदार आता है, ऐसे प्यारे प्यारे व्यू आपको देख रहे हैं तो बद्री डायरीज यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। Yes. Wow. Look at this man. Hello. Yes, Neeraj Pandit. What's up? Give me five. Yes. आज है दोस्तों 26 मई 2024 और अभी हम जा रहे हैं रोहतांग पास, और रास्ते में ही हमें मिल चुकी है कम से कम 40-50 फुट स्नो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे एक प्यारे से गेस्ट का बर्थडे है और आज हम बर्फ के बीच बड़े सेलिब्रेशन करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे किस गेस्ट का बर्थडे है, और रोड अपडेट भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बने रहे अंत तक इस वीडियो में। रोहतांग पास वाले रास्ते पे आप देख सकते हो बहुत ही हैवी स्नो है, तो अभी गाड़ियां भी बहुत तेजी से जा रही है, पार्किंग का समस्या हो जाएगा। तो हम जल्दी से निकलते हैं रोहतांग पास की ओर से भी लिए इनका बर्थडे बॉय, तो हैप्पी बर्थडे लिखना ना भूले आप। तो अभी हम बर्फ में जाकर केक भी काटेंगे दोस्तों। अगर आप भी रोहतांग पास आए हो हमारे साथ बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो रोहतांग पास में मिले और आपको हम केक खिलाएंगे दोस्तों। थैंक यू। भाई को विश्वास नहीं हो रही है कि भाई ने सोचा नहीं था इतनी बर्फ दिखाएंगे। क्यों भाई, सोचा था आपने इतनी बर्फ मिलेगी? अमेजिंग अमेजिंग। नहीं नहीं, हमने सोचा ही नहीं है। yes. ये सिर्फ और सिर्फ नीरज भाई के बदौलत हुआ है। All credit goes to Badri Diaries. Follow Badri Diaries. ये तो दोस्तों ये रील्स ऐसे ही नहीं बनती है, इस रील को बनाने के लिए बद्री डायरीज को फॉलो करना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, तभी आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और आप ऐसे ही बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ बद्री डायरीज ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। वेल दोस्तों रियली मैं नहीं बोल सकता, आज का जो व्यू हमने जो देखा है ना वो एक नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। फॉलो बद्री डायरीज। यस। यहाँ रोड में भी पूरा बर्फ जमा हुआ है, जो ये पानी पिघलता है रात को ये जम जाता है, आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे पब्लिक आना शुरू हो गई है, बट हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। आप देख सकते हैं हम रोहतांग की ओर जा रहे हैं, अभी भी रोहतांग 5 किलोमीटर और ऊपर है, बट लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हम जाएंगे, हम दिखाएंगे आपको कुछ अलग दुनिया, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। ब्यास टेंपल जाएंगे अभी हम। हाँ जी,
जहाँ से ब्यास रिवर निकलती है, जहाँ से ब्यास रिवर निकलती है। अभी ब्यास टेम्पल पे हम जाएंगे, कुछ ही क्षणों में हम दर्शन देंगे आपको। यस 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 दीदी को बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ से, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा रोहतांग पास में ठंड हो सकती है। तो ये कल खोखसर गए थे, पर खोखसर में अभी स्नो नहीं है, उतना ठंड भी नहीं है, तब भी इन्होंने ये स्नो ड्रेस लिया हुआ था, पर पता नहीं कहाँ से लिया हुआ था, इन्होंने वापस नहीं किया है। इन्होंने आज के लिए वहीं से बात की कि हमें ये चाहिए, तो इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने कल ही एडवांस में ये स्नो ड्रेस रख लिया अपने पास। अभी इनके काम आ रहा है, लगाने के बाद ही पता लगेगा इनका ठंड रुकता है या ऐसे ही ठंड से गिड़गिड़ाते हैं। हाँ। तो आज हमारे नन्हे से मुन्ने से बच्चे का गेस्ट का बर्थडे है और हम रोहतांग पास में तैयारी कर रहे हैं। भाई देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। दो नंबर, दो साल का बच्चा होने वाला है हमारा। यस, तैयारी हो चुकी है, हो गई है तैयारी भाई, हो गई तैयारी। अब हम जाएंगे, हम केक काटेंगे रोहतांग पास पे। यस, वी आर सो एक्साइटेड। आपका बर्थडे कब है? मेरा आर यू एक्साइटेड? खत्म हो गया, आपका नहीं बनाया पापा ने ऐसा बर्थ में बर्थडे। चलो नहीं, मेरा फूल बर्थडे है। अच्छी, चलो चलो। यस, दीदी नाराज हो रहे हो रहे आप हमारे वीडियो में नहीं दे रहे। दीदी को ठंड इतनी ज्यादा की साइड हो जाओ। एक बार सभी इस प्यारे से बच्चे को जन्मदिन की बधाई दें, हैप्पी बर्थडे जरूर बोले टू यू। तो बच्चे के पापा जी आ रहे हैं केक लेके। कौशिक भाई, हम केक कट करेंगे। इधर केक काटने के लिए हम अब अच्छा सा प्लेस ढूंढेंगे जहाँ पर हम बढ़िया से मजे करेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। थोड़ा आगे चलेंगे, रेडी हो गया है। तो बच्चे के लिए क्या गिफ्ट लाया आपने? बहुत बढ़िया गिफ्ट है, सरप्राइज है सूरत में। सरप्राइज सूरत में है, पर इन्होंने सरप्राइज प्लान किया था अपने बच्चे के लिए कि ये रोहतांग पास आकर इन बर्फ की वादियों में अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर केक काटेंगे दोस्तों। तो ये है प्यारे से बच्चे का केक। जा भी है ना, देखो पोर्ट्रेट ले। तो अभी हम जा रहे हैं अच्छा सा डेस्टिनेशन ढूंढने बच्चे के लिए जहाँ पर हम बैठ के आराम से केक कटिंग कर सके। हम जा रहे हैं हमारे नन्हे से मुन्ने से गेस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करने। थोड़ा सा आगे जाएंगे, अच्छी सी डेस्टिनेशन में बैठेंगे जहाँ पर सभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे बैठ के। ठंड से तो सहारा है, ठंड से तो सबका बुरा हाल हो चुका है, क्या ही बोले दोस्तों, बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे। कुछ कहना चाहोगे कौशिक भाई? भाई क्या बोलूं मैं यार, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जन्नत इधर ही है। क्या फिनलैंड, क्या कैलिफोर्निया, क्या मतलब जो भी पहाड़ी वाले, ये एक नेक्स्ट लेवल है। जन्नत यहाँ। अभी मैं पहुंचा हूं प्रॉपर रोहतांग पास और गाड़ियां भी आ रही है, बहुत सारे गेस्ट पहुंच रहे हैं प्रॉपर रोहतांग पास। तो यहां पर हमारे मित्र मिले मुझे, डिजायर लवर, जो कि मनाली में ही अपनी टैक्सी सर्विस देते हैं।
तो उनसे भी मिलाएंगे आपको। भाई भी हमें फॉलो करते हैं, तो भाई से भी आप मिलिए। ये है भाई डिजायर लवर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे भाई है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा जो है भाई। अगर आप लोग भी आना चाहते हो रोहतांग पास तो आ सकते हो, 13,058 फीट यहाँ की हाइट है। तो भाई मतलब इस टाइम जो है भाई बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ का जो मौसम है बहुत ही औसम है, और जिसको भी आना है मॉर्निंग में 4 और 5 के करीब आ जाए, नहीं तो भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक फंसेगा तो आप शायद यहाँ ना आ पाओगे। अगर मॉर्निंग में 4 बजे निकलोगे तो ही आप यहाँ आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं आ सकते हो। भाई के कहने का मतलब है कि 4 बजे अगर आप आ रहे हो तो बैरियर खुलता है 7 बजे, गुलाबा से आगे 7 बजे आप विजिट कर पाओगे, तो आपका नंबर सबसे पहले लगेगा, तो आप सीधा ही मेन डेस्टिनेशन में पहुंच पाओगे। नहीं तो पिछले कल भी बहुत सारे भाई 8-8 किलोमीटर पैदल चले हैं, कुछ लोग तो आधा से ही वापस गए हैं। तो वो ही लोग फिर कमेंट करते हैं, भाई ये तो रोहतांग पास अभी ओपन नहीं है, फिर वो मिसगाइड हो जाते हैं दोस्तों, ये फिर गलत बात हो जाती है। ये है दोस्तों रोहतांग पास 0 पॉइंट, जहाँ पे आप सभी अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे आप अभी पहुँच नहीं पा रहे हो दोस्तों, आप जाम की वजह से पीछे रह पा रहे हो। तो यहाँ से जो व्यू दिखता है, माउंटेन व्यू दिखता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। और ये जो रोहतांग दर्रा है दोस्तों, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति का मिडवे है दोस्तों। और इसके बाद ये जो रोहतांग दर्रा है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है दोस्तों, और यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू आता है। स्नो लेपर्ड भी घबरा जाता है गद्दी डॉग को देखकर। गद्दी डॉग की कहानी ऐसी कुछ है, ना ही इसके सामने पिटबुल कुछ है, ना ही रॉटविलर, ना ही हस्की। गद्दी डॉग पहाड़ों में पाया जाता है और ये सबसे खतरनाक डॉग है, फ्रेंडली डॉग है दोस्तों। अभी का नज़ारा देखकर तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाया, जाम बहुत ज़्यादा था दोस्तों, जिस वजह से मुझे गाड़ी में ही बैठना पड़ा, ब्लॉग भी नहीं बना पाया दोस्तों। तो कल मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, पूरा स्नो एक्टिविटी दिखाऊंगा कि कितना स्नो है और कितनी स्नो एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर, और रोड कैसे है अभी के। कल से आप राउंड ट्रिप भी ले सकते हो, रोहतांग पास होकर अटल टनल भी जा सकते हो, खोखसर सोलांग भी जा सकते हो दोस्तों, क्योंकि रोड क्लियर हो चुका है खोखसर वाली साइड को। रोहतांग पास में जाम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पार्किंग की समस्या है अभी भी थोड़ी बहुत वहाँ पे, जिस वजह से मैं बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाया, मुझे गाड़ी के पास ही बैठना पड़ा दोस्तों बहुत टाइम तक, और अपना वीडियो आज का शूट नहीं कर पाया अच्छे से। तो कल मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा रोहतांग पास दिखाऊँ अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, और वहाँ पर सारी एक्टिविटी दिखाऊँगा, कहाँ पर एक्टिविटी हो रही है और कहाँ पर आपको अनटच स्नो मिलेगी। उसके लिए पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और इस छोटी सी बच्ची को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोले। मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो में। हर हर महादेव।